मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आप लोगों की आवाज को? कलकत्ता में दीदी को सुनाई पड़ना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर बंगाल की जो स्थिति इन्होंने करी है वो स्थिति इतनी बदतर है, आर्थिक व्यवस्था इतनी खस्ता हाल है कि बंगाल के सारे सरकारी कर्मचारियों को सातवां वेतनमान नहीं मिलता है। मैं आपको कहने आया हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, बंगाल के सारे कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर। मैंने अभी एक दृश्य देखा, कमर जितने पानी में नहर में हमारे शिक्षक भाई बहन अपनी तनख्वाह के लिए न्याय के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपके सारे बंगाल के सारे शिक्षक भाइयों को बताना चाहता हूं कि बंगाल सरकार आते ही आपको उचित मानधन मिले, इसके लिए एक कमिटी का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। सरकारी नौकरियों में इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, सरकारी नौकरियों में 33% से ज्यादा आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में देगी। मित्रों, आज मैं आपको बताने आया हूं कि ये जो क्षेत्र है, एक क्षेत्र के अंदर हम मछुआरों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजना लाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार बनने के बाद हर मछुआरे को, लगभग 4 लाख मछुआरे को 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मछुआरा सम्मान निधि देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मछुआरों के उत्पाद का सही दाम मिले, इसके लिए फिशरमैन प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की तरह मछुआरा प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर आपके उपज का सही दाम मिले, इसके लिए राज्य कक्षा के मंत्री का एक मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार बनाएगी। और ये अपना 24 परगना क्षेत्र है, उसको सी फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में हम आगे बढ़ाने वाले हैं, जिससे सारा आपका उपज प्रोसेस होकर आगे बढ़ता जाए।